अभिनेता अनुपम खेर का कहना है कि साल 1987 में आई शेखर कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म मिस्टर इंडिया में मुगैम्बो के किरदार के लिए वह पहली पसंद थे। शनिवार को दिवंगत अभिनेता अमरीश पुरी के 27वीं जन्मदिन के मौके पर उन्हें याद करते हुए अनुपम ने कहा, अमरीश पुरी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। कभी कभी जो लोग चले जाते हैं उनके बारे में थे में बोलना या पास्ट टेंस में बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। शिमला से थे, बहुत ज़बरदस्त किरदार करते थे। मैं हमेशा कहता हूँ कि मिस्टर इंडिया में पहले मुगैम्बो का रोल मुझे ऑफ़र हुआ था और फिर मुझे एक डेढ़ महीने बाद निकाल दिया गया था। तो मुझे आमतौर पर जब किसी चीज़ से निकाला जाए उसका दुख होता है, मगर जब मैंने मिस्टर इंडिया देखी और मैंने अमरीश जी का किरदार देखा मुगैम्बो का, तो मुझे लगा कि ये तो अच्छा डिसीजन लिया इन लोगों ने, अमरीश जी को लिया था। अमरीश जी बड़े अनसंग से हीरो थे। हम मुझे लगता है कि कभी कभी कितने लोग चले जाते हैं हम उनको याद नहीं कर रखते, पर आज गूगल पे उनका फोटो है आज के डे के लिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ही वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट जेंटलेस्ट पर्सन। इतने जेंटल किस्म के आदमी थे, इतने बड़े बड़े रोल करते थे खतरनाक किस्म के, मगर आम जिंदगी में बहुत ही अच्छे इंसान थे और मैं उनको मिस करता हूँ। गूगल ने शनिवार को अमरीश पुरी की जयंती पर एक डूडल बनाकर अमरीश पुरी को श्रद्धांजलि दी थी, जो मिस्टर इंडिया में मुगैम्बो और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में चौधरी बलदेव सिंह जैसे ऐतिहासिक किरदारों के लिए मशहूर हैं। अनुपम मुंबई में अपनी फिल्म वन डे जस्टिस डिलीवरेट का प्रचार कर रहे थे। इसमें ईशा गुप्ता ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। INS रिपोर्ट।